मैम भावना सहानी बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम मनी कर रहे हैं, विच इज द पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिसने अभी तक नीचे देखा नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, प्लीज सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सी द वीडियो, तभी सेकेंड पार्ट समझने में आएगा। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस पार्ट। बेसिकली इस वीडियो में हम चार छोटे छोटे टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला कि मनी सप्लाई, फिर फीचर्स मनी सप्लाई के, पब्लिक का क्या मीनिंग होता है जब बोला जाता है मनी हेल्ड बाय पब्लिक, तो पब्लिक का क्या मीनिंग होता है, एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, तो पहले तीन टॉपिक तो बहुत ही छोटे हैं, वन वन लाइनर है, उसके बाद आपको थोड़ा बड़ा आएगा, दैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी। ठीक है, अब मनी सप्लाई, तो सबसे पहले मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई में दो चीजें आती है, एक तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय अ पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पूरी पब्लिक के पास जितना भी पैसा है उसको बोलते हैं हम मनी सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है मनी सप्लाई के फीचर्स क्या है, कि भाई वो पैसा पब्लिक के पास होना चाहिए, दूसरा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होना चाहिए। जो दो चीजें मैंने अंडरलाइन करी है, पॉइंट ऑफ टाइम पे होना चाहिए मतलब ये स्टॉक कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट तब होता है जब पीरियड ऑफ टाइम पे होता है, जब एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। सेकेंड थिंग, इट इज द मनी जो पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास रखा हुआ है मनी हेल्ड बाय पब्लिक। फिर दूसरा आता है पब्लिक का मीनिंग क्या है। जब मैं ये बोल रही हूँ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, तो उसमें पब्लिक का मीनिंग क्या है, तो पब्लिक का बेसिकली मीनिंग है मनी यूजिंग सेक्टर। मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं आएगा, बैंक और गवर्नमेंट नहीं आएंगे, जो मनी यूज कर रहे हैं वो सेक्टर आएगा। कोई भी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कोई भी बिजनेस फर्म हो सकती है। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, इसमें प्रोड्यूसर्स नहीं आते, इसमें मनी के सप्लायर्स मतलब बैंक और गवर्नमेंट नहीं आते, प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ मनी इसमें नहीं आते, जो मनी को यूज कर रहे हैं वो ही इसमें आते हैं, दैट मीन्स एन इंडिविजुअल एंड अ बिजनेस फर्म। ऑल राइट, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली क्या है, व्हाट इज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का कॉम्पोनेंट क्या है, पहला वो करेंसी जो पब्लिक के पास है। करेंसी में क्या क्या आता है, करेंसी में पेपर नोट्स आते हैं, करेंसी में कॉइन्स आते हैं, लेकिन जो पब्लिक के पास है। ठीक है, करेंसी है, पेपर नोट्स है, कॉइन है, दैट मीन्स बहुत लिक्विड है, आसानी से उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है या वो कैश में ही होता है, राइट। अब कॉइन्स की कौन कौन सी डिनोमिनेशन आती है करेंसी में, 10, 5, 2, 1, ठीक है, 50, 58, 54 ये सब अब डिनोमिनेशन नहीं रहा है। ठीक है, अगर पेपर नोट्स की बात करूं तो 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 ये सब इसमें आता है। ठीक है, समझ आया। करेंसी मनी को हम फिएट मनी भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज फिएट मनी। फिएट मनी बेसिकली वो मनी है व्हिच इज अंडर द फिएट। फिएट का मतलब क्या होता है, जिसको गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि ये मनी है। ठीक है, और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ मनी, दैट मीन्स अंडर द लॉ इट मस्ट बी एक्सेप्ट टू रिकवर ऑल योर डेट्स। ऑलराइट, तो फिएट मनी बेसिकली वो मनी है जिसको अंडर द लॉ बोला गया है, ऑर्डर दिया गया है कि ये चीज एज अ मनी एक्सेप्ट की जा सकती है। सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी, इसी वजह से इसको हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लीगली यूज कर रहे हैं टू मेक द पेमेंट्स ऑफ आर डेट्स और अदर ऑब्लिगेशन। तो कोई भी पेमेंट हमें करनी हो, चाहे अपनी डेट्स की या गुड्स एंड सर्विसेज से हम कर रहे हैं, तो हम बेसिकली लीगल टेंडर मनी से करते हैं, जो कि पेपर नोट से होती है और कॉइन्स से होती है। ठीक है, पेपर नोट जो है वो आपकी अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में पढ़ाई है। ठीक है, और जो कॉइन्स है वो आपका लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में ये कवर करा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, प्लीज सी द लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, कंपोनेंट्स में अब आपने क्या पढ़ना है, कंपोनेंट्स में आपने एक चीज और पढ़नी है, और वो चीज ये है कि डिमांड। देखो, अभी मैंने बताया करेंसी जो पब्लिक के पास है वो आपका कंपोनेंट्स है मनी सप्लाई का, साथ ही साथ वो सारे डिमांड डिपॉजिट्स
जो बैंक में है, बैंक के पास जो हमारा पैसा पड़ा है, बैंक मनी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, सो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक मनी, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो जो बैंक मनी है वो भी मनी सप्लाई का पार्ट है, ठीक है, मतलब जो भी बैंक में हमारा पैसा पड़ा है वो भी पब्लिक का पैसा कहलाया जाता है। तो जितना पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक के पास पड़ा है वो भी इस कंपोनेंट है मनी सप्लाई का, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या आते हैं, वो डिपॉजिट्स जो हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से बाय इशूइंग चेक एट एनी टाइम। बस उस बंदे का चेक होना चाहिए जिसका अकाउंट है, अकाउंट होल्डर का चेक होना चाहिए। तो डिमांड डिपॉजिट जो है बेसिकली उसको करेंसी के इक्वली एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज यू कैन विड्रॉ द मनी व्हेन एवर यू वांट, यू कैन विड्रॉ द मनी ऑन योर डिमांड, क्लियर। अब इसमें बेसिकली जो मनी सप्लाई है डिमांड डिपॉजिट्स में, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, नेट डिमांड डिपॉजिट्स की, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होते हैं मनी सप्लाई में, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स नहीं इंक्लूड होते। अभी से मैं समझाऊंगी तो वो समझ आएगा, ठीक है। इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन ऑन नेट बेसिस, मतलब इंटर बैंक डिपॉजिट, जब आपस में एक बैंक दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर रहा है मनी, ठीक है, तो वो चीज इसमें नहीं आती, वो नेट डिमांड डिपॉजिट्स में नहीं आती। तो इंटर बैंक डिपॉजिट्स जो होते हैं वो बेसिकली एक बैंक के पास पैसा होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर बैंक, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड। क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर मनी सप्लाई में नहीं आएगा, पब्लिक में मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर नहीं आता। तो जब एक बैंक दूसरे बैंक के बिहाफ पे पैसे रख रहा है तो वो नेट डिमांड डिपॉजिट्स में नहीं आता। सो सच डिपॉजिट्स जो है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, बिकॉज दैट मनी डज नॉट बिलोंग टू द पब्लिक, दैट मनी बिलोंग्स टू द मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर, नॉट मनी क्रिएट मनी यूजिंग सेक्टर, ओके। तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट जो है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में आते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट्स। तो तभी मैंने बताया था कि जो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स है वो नेट डिमांड डिपॉजिट से एकदम अलग है और ये मनी सप्लाई में नहीं आते, क्योंकि इसमें इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं। और जो नेट डिमांड डिपॉजिट्स है वो बेसिकली, वेल नेट डिमांड डिपॉजिट्स डू नॉट इंक्लूडेड, नेट डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं आते। ऑलराइट, इट मस्ट बी नोटेड दैट कि जो नेट डिमांड डिपॉजिट्स है दे आर दी पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मिक्स क्या आता है, मनी सप्लाई में नेट डिमांड डिपॉजिट आता है, ठीक है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट मनी सप्लाई में नहीं आता। ऑलराइट, क्लियर। फिर टर्म डिपॉजिट्स भी नहीं आते, टर्म डिपॉजिट्स भी नहीं आते मनी सप्लाई में। जब आप कैलकुलेट करोगे M1, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करना सिखाऊंगी, ठीक है, उसमें जब आप मनी को मेजर करते हो तो उसमें सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स आता है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स आता है एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, टर्म डिपॉजिट्स नहीं आते। टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप डिपॉजिट कराते हो, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपने रिकरिंग डिपॉजिट करा दिया, फिक्स डिपॉजिट करा दिया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करा दिया, उस टाइम पीरियड से पहले आप विड्रॉ नहीं करते, दैट इज टर्म डिपॉजिट। सो दीज टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर ट्रांजैक्शन मनी। तो ये जो दो कॉम्पोनेंट्स है, एक तो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, प्लस इससे पहले जो मैंने आपको कराया था मनी हेल्ड बाय पब्लिक, इनको हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं, बिकॉज वी कैन डायरेक्टली यूज देम एट आर ओन विल, हम खुद यूज कर सकते हैं, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता। सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ द वीडियो, आई होप आपको समझ आया, एंड आई विल बी अपलोडिंग वन मोर पार्ट ऑफ दिस वीडियो सुपर सून। अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड येस प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू आस्क योर डाउट। Alright, and yes, if you like my video, do not forget to subscribe my channel. Do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming videos. Alright, so yes, if you need an online class or an offline class, please contact me on the comment box, or contact me through the comment box, or contact on the number given below in the video. Alright, notes ke liye you can follow me on Instagram, Facebook, and Telegram. So I will be meeting you super soon in my next video. Bye bye, everyone.